Hyderabad International School. CBSC plus exceed syllabus, which is followed in eight countries. Modern plus Islamic education. Five step activity based and playway method. Launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwar. नो है अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप सबका खैर मकदम है एटीन तेलंगाना न्यूज पर आज इक्कीस अगस्त सैटरडे का दिन है आई नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया आसाम से जो सोशल मीडिया पर तालिबान जो अफगानिस्तान पर कब्जा किए उनको सपोर्ट करते हुए पोस्ट किए गए थे फ्राइडे की रात को चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट आई टी एक्ट सी आर पी सी के तहत केसेस दर्ज किए गए सी सेवेंटीन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो इंडिया एयरफोर्स की है वो जल्द ही काबुल के लिए उड़ान लेगी ताकि इंडिया के शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकाला जाए तालिबान के कब्जे के बाद बताया जा रहा है कि आई एयरक्राफ्ट काबुल जाएगी और वहां से इंडिया के शहरियों को महफूज अफ़गानिस्तान कैपिटल काबुल के एयरपोर्ट से इंडिया लाएंगे इंडिया में पहली कोविड नाइन्टीन वैक्सीन बच्चों के लिए जो बारह साल से ज़्यादा उम्र वाले उनके लिए वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है इंडिया में इंडियाज़ ड्रग रेगुलेटर ने जाइडस कैडिला वैक्सीन के तीन डोजेस अप्रूव किए हैं जो 12 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए होगी कोविड 19 के खिलाफ वैक्सीन दी जाएगी ये छठवीं वैक्सीन ब्रांड है जो इंडिया में अप्रूव की गई सिडनी में कोविड 19 के सब हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए सिडनी में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है सितंबर तक न्यू साउथ वेल्स में छह नए कोविड 19 केसेस दर्ज किए गए जुम्मे के दिन यानी कल मंडे से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना लाजमी कर दिया गया है स्टेट के तमाम रीजन्स में मास्क पहनना लाजमी होगा कर्फ्यू लगाया जाएगा वेस्टर्न सिडनी में जहाँ कोविड नाइन्टीन से लोग सबसे ज्यादा मुतासर है आंध्र प्रदेश हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू के वक्त में इजाफा कर दिए है रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा ये कर्फ्यू सितंबर 4 तक रहेगी आंध्र प्रदेश के कोविड 19 हालातों का मुआयना व जायजा करने के बाद हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंगाल ने इस ताल्लुक से ऑर्डर्स जारी किए इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में चौतीस नए कोविड 19 केसेस दर्ज किए गए और तीन कोविड 19 से मुतासरी की मौत वाकई हो गई पिछले 24 घंटों में कल के मुकाबले आज की गिनती कम है 5.7 परसेंट से इंडिया भर में कोविड 19 केसेस 3 परसेंट से नीचे दर्ज किए जा रहे हैं और पिछले सत्तावन दिनों से 1.98 परसेंट दर्ज हो रहे हैं यूएस के प्रेसिडेंट जोए बाइडेन ने कहा कि काबुल से आवाम को निकालना तालिबान के कब्ज़े के बाद सबसे मुश्किल काम रहा है इतिहास का प्रेसिडेंट ने कहा कि अगस्त 14 से यूएस फोर्स ने करीब तेरह हजार लोगों की जान बचाई है अफ़गानिस्तान से उन्हें निकाल के और जुलाई से अठारह हज़ार लोगों की जान बचाई गई है फिलहाल प्राइवेट चार्टर फ्लाइट्स को भेजा जा रहा है यूएस गवर्नमेंट की जानब से और मौजूदा आवाम को अफगानिस्तान से निकालने महफूज तरीक़े से लोकल मीडिया के मुताबिक करीब 150 लोग जिसमें से सबसे ज्यादा इंडिया के शहरी माने जा रहे हैं तालिबान फ़ाइटर्स के कब्ज़े में हैं जो काबुल एयरपोर्ट के गेट के बाहर है वो लोग तालिबान फाइटर्स के कब्ज़े में आ चुके हैं फॉरेन मिनिस्ट्री इस तालुक से और तफसात हासिल करने की कोशिश कर रही है